Me with the right college for free. Get connected for free. Free in education. Hello guys, welcome to my channel and my subject. Guys, today we are going to discuss about those students who have appeared in class 10th and class 12th examination. Guys, जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th एग्जामिनेशन में इस साल अपीयर किए हैं उन बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होती हैं रिगार्डिंग देयर फ्यूचर्स. जैसे कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है तो हम आगे करेंगे क्या. सो फ्रेंड्स, जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम इस साल दिए हैं वो बच्चे, सबसे पहले तो उनके मार्क पर डिपेंड करता है कि उनका मार्क किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है. अगर मान लीजिए कि जिन बच्चों का मैथ सबसे ज़्यादा है वो बच्चे मैथ से इंटर कर लें, जिन बच्चों का बायो में इंटरेस्ट है बायो मार्क ज़्यादा है वो बायो से कर लें, जिन बच्चों का कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो कॉमर्स से कर लें, और जिन बच्चों का मार्क ज़्यादा नहीं है वो आर्ट्स से कर लें. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटर की. जो बच्चे क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं इस साल, तो फ्रेंड्स जो बच्चे क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों के लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ ये होता है कि कुछ लोग ये होते हैं जो सोचते हैं कि हम बीए बीएससी बीकॉम कर लेते हैं तो हमारा जो है हो जाएगा उसमें. लेकिन फ्रेंड्स, जो बच्चे बीए बीकॉम बीएससी करना चाहते हैं वो अलग लाइन है. मैं आज बात करूँगा आपको बीटेक या फिर जो इंजीनियरिंग लाइन करना चाहते हैं उनके बारे में. सो फ्रेंड्स, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इन माई व्यूज़ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि वो बीटेक करें कि डिप्लोमा करें. तो फ्रेंड्स, मेरी माने तो डिप्लोमा करें, क्योंकि अगर आप बीटेक करते हैं तो 4.5 लाख रुपए लगभग आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद. और बीटेक की डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप जब कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको एज ए फ्रेशर केवल 10,000 सैलरी मिलती है. और अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट 1.5 लाख करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से डिप्लोमा करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो कम लगेगी. लेकिन अगर आप प्राइवेट से डिप्लोमा करते हैं तो मैक्सिमम आपके 1.5 लाख या जो है 1,60,000 लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा. सो फ्रेंड, अगर आप ये कम्प्लीट करते हैं तो इसके बाद भी आपको प्राइवेट जॉब करनी है, और प्राइवेट जॉब में आपको 10,000 ही सैलरी मिलेगी एज ए फ्रेशर. सो फ्रेंड, मेरी माने तो इस केस में आप डिप्लोमा करें ना कि बीट. कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम डिप्लोमा करते हैं तो हमारी ग्रेजुएशन डिग्री तो पूरी नहीं होगी, तो हमारा डिप्लोमा करने से क्या फ़ायदा होता है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के बाद आप AMI कर लेते हैं. AMI भी आपको बीटेक की डिग्री देगी, और AMI से आपको ये फ़ायदा होगा कि AMI की फ़ीस मैक्सिमम 20,000 यानी कि 20,000 है, और 20,000 में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो जाएगी. यानी कि आप 2 लाख में डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका. तो ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से. और डिप्लोमा बेस से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, जैसे कि मान लीजिए CPWD हो गया, PWD हो गया, और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट हो गए, जैसे कि उत्तर प्रदेश जल निगम हो गया, इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, नोएडा मेट्रो हो गया, LMRC हो गया. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स निकलती रहती हैं जिसमें आपको ये लिख के बोलता है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल. सो फ्रेंड्स, मेरी मानिए तो आप ये करिए, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी इस साल क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.